सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन बहुत ही बड़ी और बहुत ही दुखद खबर के बीच आपके बीच में आया हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारत के सभी मुल्क के मालिकों को और पूरी दुनिया में रह रहे अंबेडकरवादियों को, बाबा साहब ने 1956 में अपनी दीक्षा हेतु नागपुर को चुना था, इसलिए कि वो नागों की राजधानी है और नाग वंश भारत में बौद्ध शासक रहा है। कई पीढ़ियों तक उन्होंने शासन किया है और समण संस्कृति को और समता की संस्कृति को स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वही नागपुर जहां बाबा साहब ने 1956 में दीक्षा ली थी, आज वो दीक्षा भूमि सामंतियों के कब्जे में चला गया है। सामंती उसे उजाड़ना चाहते हैं, सामंती उसे नेस्तनाबूत करना चाहते हैं, सामंती उसे बर्बाद करना चाहते हैं, सामंती उसे तोड़ना चाहते हैं। कारण, मेरे लोग सामंतियों के साथ मिल गए हैं। दीक्षा भूमि स्मारक जो समिति है उसने सरकार से एक प्रोजेक्ट लिया है कि यहां एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है, वहां तोड़फोड़ चल रही है और जो पीपल का वृक्ष लगा है, बोधि वृक्ष लगा है, उसकी जड़ें कट रही हैं और गायकवाड़ साहब की जो प्रतिमा लगी है वो भी धूमिल हो रही है। इवन जो बहुत बड़ा गुम्बद बना है दीक्षा भूमि का, वो भी खतरे में आ गया है। ये लोग जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, हमारे लोगों के साथ मिलकर दीक्षा भूमि का असर और दीक्षा भूमि की जो श्रद्धा है लोगों के प्रति, उसे मिटाना चाहते हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। नागपुर से लगभग एक दर्जन लोग फोन कर चुके हैं कि बौद्ध भिक्षु आओ और नागपुर की दीक्षा भूमि को बचाओ। 1 जुलाई को एक बहुत बड़ा कॉल किया गया है, वहां हजारों बौद्ध भिक्षु पहुंचेंगे और नागपुर की सुरक्षा के लिए उस आवाज उठाएंगे। नागपुर के लोग बुद्ध के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी चाहते हैं कि वहां तोड़फोड़ न की जाए, क्योंकि तोड़फोड़ करने से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ग्राउंड बहुत बड़ा है, 1956 से लेकर आज दिन तक कभी भगदड़ नहीं हुई, कभी किसी को चोट नहीं आई, कभी चोरी नहीं हुई। एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए वहां अनर्गल पार्किंग की और अनर्गल बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। हालांकि सामंतवादी लोगों से समिति के लोग मिले हुए हैं, उनकी शह पर यह बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि भारत के सभी विज्ञानवादी, तर्कवादी, अंबेडकरवादी मुखर होकर के सामने आए। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी हमारी पुरानी विरासतें हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर में है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के अंडर में, लिहाजा वहां हम कोई भी अपनी सामाजिक धार्मिक गतिविधि नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरकार ने कब्जा कर लिया है, वो सरकार की संपत्ति बन गई है। कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जैसे बोधगया का टेम्पल, वहां पर मनुवादियों ने कब्जा किया हुआ है। एक ब्राह्मण रहता है, आरती उतारता है, आदि जो समिति है वहां की, मैनेजमेंट कमिटी है, उसमें आधे ब्राह्मण भरे पड़े हैं। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी, जैसे महाबोधि सोसाइटी है जिसका ऑफिस कलकत्ता में है, सारनाथ में, बोधगया में है, महाबोधि सोसाइटी में आधे से ज्यादा ब्राह्मण मेंबर भरे पड़े हैं। कहां सामंती कब्जा नहीं किए। माननीय बहन जी ने नोएडा में बहुत सुंदर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई थी, वो भी सामंतियों ने कब्जे में ले ली। बड़े बड़े स्कूल बनाए थे, उन पर भी सामंती कब्जे में चले गए। नालंदा यूनिवर्सिटी APJ अब्दुल कलाम का सपना था और नीतीश कुमार ने सपने से बनाई, उस पर भी सामंती लोगों ने लगभग कब्जा सा कर लिया है। लिहाजा मैं बहुजन समाज को, यहाँ की 85% आबादी को, यहाँ के सही मायने में असली राजा महाराजाओं को सचेत करना चाहता हूं कि अगर वो जागरूक नहीं हुए, अपनी विरासत के लिए, अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष नहीं किए, तो ये सामंती धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे। वैसे भी इनके जितने बड़े बड़े बौद्ध हिंदू मठ हैं पूरे भारत में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये नाथ, वो नाथ, सारे बुद्ध विहारों के ऊपर इन्होंने बना रखे हैं और इनका जो षड्यंत्र है वो जारी है। कल ये मंदिर बनाते हैं और मंदिर को प्राचीन लिख देते हैं, प्राचीन शिव मंदिर, कल बनाया लिखा प्राचीन शिव मंदिर, ये इनका षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा भारत के सभी विज्ञानवादी, तर्कवादी लोगों से कि वो नागपुर को बचा लें, वो दीक्षा भूमि को बचा लें और
सब लोग मिलजुल करके वहां पहुंचे ताकि जो बीजेपी की सरकार, चूंकि नागपुर में लगभग 10 करोड़ 10 लाख से ज्यादा महार कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो लगभग बौद्ध बन गए हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण नितिन गडकरी सांसद है और वह व्यक्ति षड्यंत्र के तहत आरएसएस के सारे के तहत उनको निस्तनाबूत करना चाह रहा है और उस पर कब्जा करके वो मार्केटिंग कॉमर्शियल फ्लैग और बिल्डिंग बनाना चाह रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस आवाज को दूर तक पहुंचाएं, शेयर करें और हो सके तो नागपुर पहुंच करके दीक्षा भूमि की रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।